अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं तो क्या बना सलाम। आज मैं आपको सेम आलू की भुजिया बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने पैन में तेल डाल दिया है और उसमें मैं हाफ स्पून ये देखिए मेथी के दाने डाल दूँगी। ठीक है, जब ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे, तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं जो खाना बनाती हूँ बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में मेरी वो डिश बनती है, जिसमें बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ। मगर आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया कि जो जायके में ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैं आपके सामने मैंने देखिए तेल डाल दिया मैंने और मैंने इसमें मेथी दाना डाला। अब मैं इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। बस ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा ही गर्म हो जाता है बहुत अच्छे से। तो फिर मैं इसको लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेती हूँ। लहसुन अदरक भून लिया, मैं इसमें मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्ची ग्राइंड की हैं वो मैं डाल रही हूँ। अच्छे चॉप करके, ये मैंने ग्राइंड नहीं किया ग्राइंडर में, मैंने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा मुँह में आए। बिल्कुल बारीक मुझे नहीं पीसना था। तो मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे इन्ग्रीडियंट्स बहुत कम होते हैं, और मगर आप ट्राई करके देखिएगा, बेशक इन्ग्रीडियंट्स बहुत कम होते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत दुबाला होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना अच्छा इसका जायका लगेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। अब मैं इसको भून रही हूँ। इसको भून रही हूँ मैं, देखिए बहुत अच्छी आँच पे इसको मैं भूनती रहूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी अच्छा सा इसका खुश्क हो जाए, प्याज का, टमाटर का और हरी मिर्चों का। तो मैंने इसमें अभी तेल में मेथी दाना और लहसुन लगा, थोड़ा सा पीसने के बाद फिर इसको देखिए मैं इसको भून रही हूँ। जैसे जैसे भूनती रहूँगी इसका पानी जो है सूखता जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा उसका शेप आएगी, शक्ल आएगी, और मज़ा इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बना के मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि हाँ हमने बनाया और हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया हसबे जायका, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मेरे पास एक पाव सेम है और आलू, ये देखिए मैंने ये काट के रखी हुई है। अब मैं इसको देखिए इसमें भी मैंने ड्राई मसाले नहीं डाले। ठीक है, जब मैं ड्राई मसाले डालूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं इसमें ये देखिए अदरक सेम आलू डाल दिया मैंने इसमें। ठीक है, और अब इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी। ड्राई मसाले मुझे क्या क्या डालना है, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, एक चम्मच ये लाल मिर्च, ये बहुत ही इसका कलर ज़बरदस्त है ये लाल मिर्चों का। इसमें फिर दूसरा कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा इसमें मैं हल्दी डालूँगी और ये हल्की आँच में पकाती हूँ मैं खाना, कभी मैं तेज़ आँच में खाना नहीं बनाती, खाने का जायका नहीं अच्छा आता। और दूसरी बात यह, पानी सूखता जाता है और आपकी जो डिश है जो अपने बना रहे हैं वो गलती नहीं है। तो ये देखिए, मगर इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, जो मैंने टमाटर और प्याज पीसा था उसी के पानी से ये सेम आलू पक जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स करने के लिए मैं इसमें ये देखिए थोड़ा सा पानी में डाल दी बस। ये देखिए बस, अब ये हल्की आँच पे बनता रहेगा, तैयार होगा। मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी मज़े अच्छी आई है, लेकिन टेस्ट में आप ख़ुद बनाएंगी तो आपको पता चलेगा इसका जायका कितना लाजवाब और बेहतरीन है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ये मेरे स्टाइल से ही बना के देखें आप। वैसे तो चैनल पर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए मैं इसको, एक अच्छा उबाल आ जाए तो मैं इसको ढक दूँगी, उसके बाद ये हल्की आँखें बनता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब कोई भी खाना आप हल्की आँखें बनाती हैं तो आप देखिएगा खाने का जायका दुबाला होता है। बहुत तेज़ आँच पे खाना कभी नहीं बनाया चाहिए। ये सब एक टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और ये देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। अब जब ये तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से,
इसके मगर इसमें पानी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सा हल्की हल्की आँच पे ये पकता रहेगा, मेरे ख्याल में 30 मिनट्स तो लगेंगे। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसको इस कैसा बनाया और ये किस शक्ल में आया। बहुत ही खुश रंग, वैसे मैं हमेशा जो खाना बनाती हूँ सब्ज़ियाँ खास तौर पर बहुत ही खुश रंग होते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम मसाला यूज़ करती हूँ। अभी भी मैंने देखे क्या यूज़ किया, टमाटर प्याज और हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया और ड्राई मसालों में मैंने हल्दी मिर्च और कुटी हुई तरश चिली डाली, बस। अब ये मेरा खाना बनने को तैयार हो जाएगा। जब शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो सेम आलू मैंने कैसे बनाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ये मेरी पेजराई होगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।